सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिस करते हुए आपकी जितने भी क्वेरीज हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक प्रकार के मिक्स टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। मिक्स टाइप ऑफ नेचर या मिक्स टाइप ऑफ फिंगर वो होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से ढल जाते हैं। कोई भी डिसीजन या प्लानिंग भी अगर लेते हैं तो उसमें भी बहुत जल्दी चेंजेस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कर जाते हैं। ये एक प्रकार का फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग एटीट्यूड मेंटेलिटी को यहाँ पर डिनोट करता है। वहीं देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी ट्रबल आती है, जिसके अंतर्गत इस अपोजिट जेंडर और स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या फिर मन के अंदर बात को दबाना, इन सब प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही किसी के अंडर में भी आप कंफर्टेबली वर्क कर पाएंगे, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर के लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ को डिनोट करता है, जिसके अंतर्गत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। बहुत कम उम्र से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ सर के ऊपर आते हुए देखने को मिलती है और एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट भी अच्छा काम करने के योगों को यहाँ पर यह रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट और सेकेंड फिंगर जब कंजर्न इस प्रकार से होती है, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, या जुपिटर का झुकाव ऐसे सैटर्न पर होता है, तो यह अध्यात्म में रुचि को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण आप धार्मिक भी रहेंगे और धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान ध्यान बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये इस प्रकार का जब फॉर्मेशन होता है तो खुद को ज़्यादा समय देना चाहिए और साथ ही कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं खाली बैठे या खुद को सही साट समय नहीं दिया या कुछ ना कुछ लर्न नहीं करते रहे, तो इस कारण से आपको लोनलीनेस फील होते रहेगा। इस कंडीशन में नॉर्मली यही सजेस्ट करते हैं कि धर्म कर्म का कार्य करें, नहीं तो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखें या कुछ ना कुछ सीखते रहें, तब ये आपके लाइफ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन को डिनोट करता है। यहाँ पर फिंगर के बीच में बनने वाले गैप थोड़े इंडिपेंडेंट नेचर और अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत पैसों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है और फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधे खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। इस कंडीशन में समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फिंगर का जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके अंतर्गत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजस एंड इंटरनल मार्क्स दोनों यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर के साथ साथ फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योगों को दर्शाता है। इसके अंतर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक देखने को मिलती है और थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ देखेंगे तो जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर आपका मांसल कम है, तो अपने बात पर या अपने डिसीजन पर ज़्यादा अड़िग नहीं रह पाते, बहुत जल्दी सिचुएशन या माहौल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर जैसे आप कर जाते हैं वैसे ही अपने डिसीजन या प्लानिंग के अंदर भी चेंजेस कर लेते हैं। यही रीज़न है कि खुद का बनाए हुए प्लान को भी कहीं ना कहीं आप सफल तरीके से अंजाम नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट और अपने खुद के जो डिज़ायर को कंप्लीट अगर करना है तो डिसिप्लिन बहुत प्योरली मेंटेन करना होगा। पाम का साइज यहाँ पर आपकी लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को डिनोट करता है। इस कंडीशन में बड़ी बड़ी सोच अप्रोच जीवन के प्रति डेफिनेटली देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका जुपिटर का एरिया है वो यहाँ पर डेवलप्ड कुल मिलाकर के ठीक है। इस प्रकार का जुपिटर माउंट नॉलेज अच्छा देता है, मैरिड लाइफ का सुख अच्छा देता है। थोड़ा सा सैटर्न जरूर यहाँ पर दब रहा है, जिसके कारण फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन मिलता है। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो वो कुल मिलाकर के स्टेबल, फ्रूटफुल, बेनिफिशियल और कंफर्टेबल लाइफ आपको देने वाला रहेगा। यहाँ पर लव मैरिज का कोई भी प्रोमिनेंट साइन नहीं है, यही रीज़न है कि अरेंज मैरिज के चांसेस स्ट्रांग है और अरेंज मैरिज भी आपका कुल मिलाकर के भाग्य उदय करने में बहुत मददगार रहेगा। यहाँ पर आपके हथेली में जुपिटर माउंट डेवलप ठीक है और मून लक लाइन है, जो कि सक्सेस आफ्टर मैरिज को डिनोट करता है। तो इस कंडीशन में जो वाइफ रहेंगे वो आपके डेडिकेटेड, ऑनेस्ट ज़्यादा देखने को आपके प्रति मिलेंगे। यहाँ पर कुछ देख पाएंगे कि आपका आड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी है, तो इस प्रकार की आड़ी रेखा एक प्रकार से व्यक्ति को दयालु किस्म का व्यक्तित्व देता है, जिसके अंतर्गत दूसरों का दुख दर्द समझना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी बेसिक नेचर में आता है।
तो जुपिटर वेल प्लेस्ड एंड पोजिशन में है और प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी जीवन में बहुत एम्बिशियस नेचर बनाने के साथ साथ जुनून आपके अंदर अच्छा देगा किसी भी चीज़ को पाने का। इसलिए जो भी अपने जीवन में ठान लेंगे कोई भी चीज़ पाने के लिए, अगर उसमें चेंजेस नहीं करते हैं, अपने डिसीजन पर अगर अड़िग रहते हैं, तो जीवन में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है उन्नति को हासिल करने में, क्योंकि इस प्रकार का प्रोग्रेस लाइन लाइफ में कंटिन्यू एफर्ट्स लगवाते रहता है और कंटिन्यू जीवन में व्यक्ति को ग्रोथ भी देते रहता है। यहाँ पर बात करें शनि के क्षेत्र की, तो शनि के क्षेत्र पर आड़ी रेखाओं की श्रृंखला ज़्यादा है। यह आड़ी रेखाएं मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, यही रीज़न है कि ये फोकस में कमी भी देता है, बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, अपने डिसीजन से बहुत जल्दी हट जाते हैं, और यही रीज़न है कि बेफिजूल की चिंता, अज्ञात भय, डर और एक प्रकार से जो यहाँ पर आपके अंदर आत्मशक्ति होनी चाहिए या सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें भी फिर ये कमी को डिनोट करता है। इसका रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। होता क्या है कि ये जो हृदय रेखा ये हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। अब ये हृदय रेखा के अलावा और भी सारी हृदय रेखा अगर आ जाती है सपोर्ट में, तो उस कंडीशन में ये मल्टीपल नेचर को क्रिएट करता है, कि यानी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना या कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना। वैसे योग इस कंडीशन में बनते हैं, तो ये बहुत इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाने के योगों को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी एक रीज़न है कि कोई भी काम समय रहते नहीं होता है, देरी से होता है या भाग्य में फिर कमजोरी आती है। इसीलिए इसका जब रेमेडी दिया जाता है तो शिव जी की आराधना सबसे पहले जो है करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि शिव जी की आराधना करने से ही ये जो इमोशंस, फीलिंग्स और तमाम तरह के भाग्य या समृद्धि धीरे धीरे कर हट जाने वाला देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर बात करें भाग्य रेखा के बारे में, तो आपकी भाग्य रेखा मून के एरिया से निकल रही है, तो आपका जो भाग्य उदय है वो जन्म स्थान से दूर है। तो इस कंडीशन में अगर आप जन्म स्थान से दूर जाते हैं तो आपको पब्लिक का सपोर्ट अच्छा मिलेगा और आपका भाग्य का भी सहयोग अच्छा मिलेगा, जिसके कारण काम बड़े फ्लुएंट वे में होते रहेगा और ये आपके मन को भी डिनोट करता है, तो अपने मन का भी काम आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर कोई भी भाग्य रेखा शनि तक नहीं पहुँचा है, यही रीज़न है कि आपको संतुष्टि कभी भी जल्दी मिलेगा नहीं। इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कभी भी किसी भी चीज़ से ना लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीच की जो ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं, तो इस कंडीशन में जो ज्ञान रहता है वो दूसरे के काम बहुत अच्छा आने वाला रहता है। इसीलिए एज अ इंस्ट्रक्टर, कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, अगर आप पार्ट टाइम भी कोई वर्क करते तो उससे भी आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके सूर्य के क्षेत्र के विषय में, तो आपका जो सन है वो डेवलप्ड अच्छा है, मल्टीपल्स लाइन यानी दो से तीन रेखाओं के साथ ये चल रहा है, जिसके कारण ये मल्टीटास्किंग नेचर देता है। एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, ये भी बेसिक नेचर में आता है, यानी एक से ज़्यादा कला आपके पास रहेगी। बस दिक्कत यही रहेगा कि कन्फ्यूज़न ये रहेगा कि किस क्षेत्र में आगे बढ़ें। सूर्य रेखा यहाँ पर नेम रिस्पेक्ट को डिनोट करता है, तो नेम रिस्पेक्ट या सक्सेस लाइफ में पा सकेंगे, लेकिन यही जो सपोर्टिव हार्डलाइन है यही आकर के रेखा जो है काट करके सूर्य की जा रही है, जिसके अंतर्गत कार्यों में अड़चन आना, बाधा आना, रुकावट और देरी के साथ काम बनना, पिता से भी रिश्तों में थोड़ा तनाव देखने को मिलना, वैचारिक मतभेद रहना, अपने लोगों से धोखा मिलना इस कंडीशन में बनता है। तो इसीलिए जो रेमेडी दिया जाएगा आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ताकि सूर्य की स्थिति भी इस कंडीशन में मजबूत हो सके, ताकि आप जीवन में और ज़्यादा तरक्की या उन्नति कर सकें। वहीं यहाँ पर आपकी वी सिंबल की आकृति है बुध और सूर्य के बीच में, जो प्रॉपर्टी जागृत युगों का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत अपने खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनाते हैं, जिसे यशस्वी योग कहते हैं, जो कि सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को यहाँ पर डिनोट करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जीवन में तमाम तरह के सक्सेस आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले जो थोड़े बहुत संघर्ष हैं उसी पीरियड से अभी आप गुजर भी रहे हैं। मरकरी की बात करें तो मरकरी यहाँ पर डेवलप ठीक है, मरकरी पर भी आड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी है, हालांकि ये कोई नेगेटिव साइन नहीं होता मरकरी पे, क्योंकि कोई भी सीधी रेखा को इसने काटा नहीं है, लेकिन आपके मरकरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने इंटेलिजेंसी को बढ़ाना होगा, नॉलेज को बढ़ाना होगा, किस व्यक्ति से कैसे बात करना, कैसे डील करना, उसको और इम्प्रूव करना होगा। मरकरी लाइन धीरे धीरे कर डेवलप्ड हो रही है और माइंड लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ जा रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये चांसेस क्रिएट करता है बिजनेस में जाने के और बिजनेस में ग्रोथ के भी। लेकिन सेपरेटली मरकरी माउंट का पॉजिटिव होना ज़रूरी होता है, ताकि जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, उस पर एक अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा छोड़ सके, ताकि वो भी आए और उसके अलावा 10 लोगों को और लेकर गया। तो उसके लिए आपको मरकरी माउंट पर मल्टीपल्स लाइन का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ सेवरल जो है रेमेडीज़ के द्वारा हो जाता है। ये रेमेडीज़ सिर्फ इतनी ही हैं कि बातचीत का ढंग अच्छा रखें, आगे से रह करके बात करें, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करें, गौ सेवा करें,
तो इन सारी चीज़ों से और ज़्यादा लाभ मिलेगा। या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं, तो उससे भी बुध आपका और स्ट्रांग होता चला जाएगा। यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन दो फॉर्मेशन में अवेलेबल है, दो लाइन है, तो इस कंडीशन में दो बार रिलेशन बनने के चांसेस होते हैं। और वहीं हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना भी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में चाहे कितना भी दुख तकलीफ जीवन में क्यों ना हो, अपनी खुशी कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं या दूसरों को एंटरटेन या खुश कर देने वाले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा से बहुत मजबूत शाखा नीचे की तरफ जा रही है, तो ये इमोशनल सेटबैक को डिनोट करता है, जिसके कारण अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, या जिससे भी एक्सपेक्टेशन लगा रखा है वो व्यक्ति एक्सपेक्टेशन पे उसका खड़ा ना उतरना, उन सब के कारण जो इमोशनल हर्ट होते हैं, वैसे योगों को यहाँ पर यह रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कंडीशन में सबसे पहले तो यही सजेस्ट किया जाता है कि किसी से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं और इमोशनली अटैच होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर रेखाएं जो है मंगल की तरफ जा रही है, तो आप मांगलिक होने के योगों को भी यहाँ पर ये व्यक्त करता है। इस कंडीशन में कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना बहुत अच्छा होता है और एग्रेशन थोड़ा सा आपका यहाँ पर ख़राब देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ से रेखा निकल के सीधे एक ओवरलैप करके जुपिटर की तरफ जा रहा है, जो दिल का साफ होने के योगों को दर्शाता है। इस कंडीशन में आप धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे, किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे और इमोशनली थोड़े से ज़्यादा सोचने विचारने वाले, दिल से ज़्यादा सोचने विचारने वाले देखने को मिलेंगे। यही रीज़न है कि इमोशनली अटैच दूसरों से जल्दी हो जाते हैं और सेंटीमेंट इमोशंस की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण लोगों में अपनापन भी ढूंढते हैं, लेकिन सामने वाला कहीं ना कहीं यूज़ करके चला जाता है, काम निकलवा के चला जाता है। आप ये आदत को मत छोड़िएगा, ये आदत परमात्मा ने आपको दिया है, आपको काबिल बनाया है परमात्मा ने देने के लिए, ना कि लेने के लिए। इसीलिए जितना हो सके दूसरों के लिए भला करें, दूसरों का के प्रति कर्म करें, लेकिन उम्मीदें ज़्यादा ना रखें। बहुत ऑनेस्ट लॉयल नेचर रहेगा, जो आपसे लंबे समय तक जुड़ा रहेगा वो हमेशा फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर गुजर जाने वाले रहेंगे। यहाँ पर रेखा वैसे भी सीधे जा रही है, जो कि एक वर्कहोलिक नेचर देता है। इस कंडीशन में कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। माइंड लाइन के फॉर्मेशन में देखें तो माइंड लाइन थोड़ा फेल करके चल रहा है, लेकिन जो ओवरलैप हुआ ये बहुत बेहतरीन हुआ है। और माइंड लाइन जब स्ट्रेट होता है तो ये स्ट्रांग मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंतर्गत तमाम तरह के प्रेशर या ट्रबल को इजिली हैंडल या टेकल कर पाने में सक्षम होते हैं और उन सभी दिक्कत परेशानियों से निकल पाने में भी सक्षम होते हैं। इसलिए जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट, बाधा, अड़चन, रुकावट, तकलीफ ऐसे आता नहीं है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होने के कारण इजिली सारी परिस्थितियों से डील कर पाते हैं। अब आपका एक सबसे मेन जो और पहला जो क्वेरी था कि बिजनेस में क्या सक्सेस के चांसेस है, तो देखिए आपका पूरा का पूरा माइंड लाइन तो बिजनेस में ही इंगेज हो रहा है, तो बिजनेस में सक्सेस के चांसेस पूरे हैं। बुध का जो सजेशन दिया गया है उसको फॉलो करें और अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए फिलहाल जो है सपोर्टिव हार्ट लाइन का रेमेडी करें, तब जाकर के प्रॉपर जब ये आप काम करेंगे तो आने वाले साल यानी एक साल या डेढ़ साल के बाद रेखाएं और मजबूत और स्ट्रांग होगी, तब जा करके एज वाइज जो है आपका प्रेडिक्शन निकलेगा। फिलहाल एज वाइज प्रेडिक्शन निकालने से कोई तात्पर्य नहीं है, वो फॉलो नहीं होगा। वहीं यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन से भी एक प्रकार से इंडिपेंडेंसी मिल रही है, तो उम्र 24 और 5 में, तो 24 5 से ट्रिमेंडस ग्रोथ सक्सेस लाइफ में आपको मिलेगा। बाहर की तरफ रेखाएं जब जब झुकती हैं तो ये तमाम तरह के विदेश यात्राओं के योगों को भी निर्धारित करता है, इसीलिए विदेश यात्रा का योग आपके हथेली में कुल मिलाकर के अच्छा है। और अंततः जीवन रेखा में विभाजन भी हो रहा है, जिसके कारण छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के लंबी यात्राओं का सौभाग्य आपको मिलेगा। आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रहा है, इसे अदृश्य शक्ति कहते हैं। ऊपर वाले की कृपा अच्छी बनी रहती है, इसीलिए मन चाहा परिणाम अंततः आपको जीवन में मिलते रहेगा और हमेशा दूसरों का सहयोग मिलते रहेगा। दूसरों के साथ प्रोत्साहन के कारण जीवन में तरक्की करते रहेंगे, इसीलिए कभी किसी का निरादर ना करें और ना ही कभी किसी से एक्सपेक्टेशन रखें, ये दोनों चीज़ को ना रखें। और जब जब आपको ज़रूरत होगी कोई ना कोई स्ट्रेंजर भी आकर के आपकी हेल्प करेगा। अब जैसे यहाँ पर ये हल्की हल्की सी स्ट्रेसेस लाइन जा रही है, इससे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि सपोर्टिव लाइन है तो कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस से बर्डन नहीं आता है। और ये जो रेखाएँ हैं ये बिल्कुल भी अभी मजबूत नहीं है, इसीलिए इसका प्रेडिक्शन अभी नहीं दिया जाएगा। अंदरूनी मंगल की स्थिति मजबूत है, वहीं आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट यानी मेंटली स्ट्रांग होने के योग दोनों है। तो इस कंडीशन में जुनून, हौसला, साहस, सहनशीलता, ये चारों चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। और शुक्र की स्थिति भी बहुत बढ़िया, जो लग्जरियस लाइफ का सबसे मेन कारक है, तो तमाम तरह के सुख सुविधा, समृद्धि, प्रसिद्धि हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। और यह एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख भी देने वाला होता है, इसीलिए लग्जरियस लाइफ, रॉयल्टी भरा जीवन
और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लाभ अपने जीवन में उठा पाएंगे। ज़्यादा कोई टेंशन वरीज यहाँ पर नहीं है, सीधी खड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। अपने करियर पर फोकस अच्छा बनाए रखें। और केतु के ऊपर भी अभी कोई भी स्पेसिफिक साइन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर फिश सिंबल जब यहाँ पर बन जाएगा तब जा करके लाइफ लॉन्ग जो है आपकी हो जाएगी, हेल्थ और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और जीवन में और समृद्धि, प्रसिद्धि, धन, वैभव, कीर्ति, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा यात्राओं को सौभाग्य देती है, थोड़ा मन ज़्यादा भटकाती है। इस प्रकार की रेखाएं जीवन में काल्पनिकता को भी बढ़ाता है, तो इमेजिनेशन स्किल आपका बढ़ेगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग से बचे रहिएगा। मनी ट्रायंगल ओपन है, पैसा रुकेगा नहीं लेकिन आएगा ज़रूर। और अभी तो स्क्वायर का साइन ये प्रोमिनेंट हो रहा है जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के योगों का निर्माण करता है, तो संपत्ति जागृत योग आपके हथेली में अच्छा है। साथ ही राहु की तरफ से भी भाग्य रेखा निकल रही है जो जीवन में अचानक से धन लाभ या उन्नति देने वाली रहेगी। आपके जीवन में जो भी ग्रोथ या सक्सेस है सब के सब उम्र 24 के लमसम से बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देख तो यहाँ पर लेफ्ट पाम में आप देखेंगे कि यहाँ पर मर्करी लाइन स्ट्रांग है और इसके अलावा जो माइंड लाइन है वो भी इवन स्ट्रांग चल रहा है। एक हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ है और यहाँ पर भी डबल लाइन चल रहा है जिसके कारण फोकस में कमी और डबल मेंटेलिटी को डिनोट कर रहा है। फिलहाल अभी फेड लाइन धीरे धीरे कर स्ट्रांग हो रही है, तो यहाँ पर मर्करी लाइन सबसे स्ट्रांग है जिसके कारण बिजनेस में सक्सेस के चांसेस तो बहुत अच्छे आपके हथेली में दिख रहा है। यहाँ पर आपका प्रश्न था कि करियर कैसा रहेगा, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा कि नॉर्मल रहेगा, तो यहाँ पर जब आप अपने सपोर्टिव हार्ट लाइन का रेमेडी कर देंगे तो करियर इजी हो जाएगा आपका। और इसके अलावा देखें स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में ज़्यादा तकलीफ नहीं है क्योंकि आपके जीवन रेखा के उपरांत मर्करी लाइन है जो स्वास्थ्य में सुधारक का काम करती है, सुधारने का, इसलिए हेल्थ रिगार्डिंग भी कोई मेजर इशू या ट्रबल नहीं है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।